अभी बज रहे हैं सुबह के 4, यानी कि मॉर्निंग हो रही है। ठीक है, तो भाई कल रात हम सोच रहे थे नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का बनाया है, कहाँ जाया है। तो हमारे दिमाग में एकदम अचानक से ख्याल आया कि कानपुर चलते हैं, क्योंकि कानपुर में काफ़ी ज़्यादा जगह है घूमने के लिए। एक तो उधर जूलॉजिकल पार्क है, यानी कि चिड़ियाघर है, दूसरा वहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है, JK टेम्पल है, और भी जो चीज़ें हैं वहाँ पर। तो मैं नहा धो के रेडी हो गया था, अभी मेरा एक फ्रेंड भी है वो भी साथ में चलेगा। यहाँ पर अभी 5 बज चुके हैं और 6 बजे की हमारी ट्रेन है। तो बस अभी घर से निकलते हैं ना दो के एंड चलते हैं कानपुर, एंड आपको पूरा हम विजिट कराएंगे। ये ब्लॉग हो सकता है 2-3 भाग में आए, लेकिन ब्लॉग आप पूरा देखना, एंड हम आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। चलिए अभी चलते हैं हम अपनी ट्रेन की तरफ। तो सब कर लीजिए मंदिर के दर्शन, उसके लेंगे चलते हैं, एंड 5 बज चुके हैं, बाय चलते हैं हम। करण भाई टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं, हम लोग टिकट खरीद रहे हैं भाई। हेलो फ्रेंड्स, देखते करण भाई लाइन में लगे हुए हैं भाई, टिकट तो खरीद लिए भाई, देखते भाई लगे हुए हैं करण भाई। अभी जो हम रुदान स्टेशन पर आ चुके हैं, यहाँ से हमने टिकट लिया, टिकट हमको पड़ा है 150 रुपये का, 2 टिकट पड़ा है कानपुर का। तो टिकट हम ले चुके हैं भाई, विदाउट टिकट सफ़र नहीं करना चाहिए, वो भी ट्रेन में। ठीक है, तो टिकट हमने ले लिया यहाँ पर, अभी इंतजार भाई ट्रेन का इंतजार, या ट्रेन आई तो चलेंगे। हमारे साथ में जो है वो सौरभ भाई, हम इनसे बोलेंगे थोड़ा आगे भी आ जाओ कि शर्माते रहते हो जी। तो हमारे साथ में सौरभ भाई, एंड ये भी हमारे साथ में जा रहे हैं, इसी वजह से हमने 2 टिकट ली हैं। ठीक है, इनको पूरी नॉलेज है कैसे क्या ट्रेन आएगी, मेरे को तो नॉलेज भी नहीं थी। ठीक है, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, 6 बजने वाले, 5 मिनट कम है, फिर सीधा है यहाँ से फरकावत से कानपुर। हमारी जो ट्रेन है मिल गई है और हम जो है ट्रेन में बैठ चुके हैं, बाइक खड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रेन चल रही है, मैंने एक गेट खुलवा लिया इससे, मैंने कहा ये वाला गेट खोल दो, तो यहाँ पर आराम से बैठ के ब्लॉग शूट करते रहेंगे इस वजह से। तो क्या कहना चाहोगे, गेट खोलने में कोई दिक्कत हुई? आप सीधे हम फरकाबाद मिलेंगे आप लोगों को। कानपुर के अंदर एंटर कर चुके हैं। ठीक है, हम स्टेशन से उतर गए थे, तो डायरेक्ट हम जो स्टेशन से आए हैं कानपुर मेट्रो में, तो मेट्रो से जाएंगे हम अब नवाबगंज, वहाँ से सीधा जूलॉजिक पार्क चले। यहाँ का मेट्रो स्टेशन जो कि अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ सौरभ भाई भी आए हुए हैं, तो जाते हैं टिकट लेते हैं नवाबगंज की, उसके बाद जूलॉजिक पार्क हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन भाई कानपुर सिटी जो है ना काफ़ी बढ़िया है,
लेकिन मैं रेलवे के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा, जो हमारी रेलवे होती है सबसे घटिया चीज़ है वो, क्योंकि भाई इतनी बदबू आती है उसमें, सफाई नहीं रहती है। तो सरकार अगर हमारी ये वीडियो देखे ना कभी फ्यूचर में, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि भाई जो रेलवे है ना वो हमेशा साफ़ रखो, उसमें बहुत बदबू आती है। क्या कहना चाहोगे सौरभ भाई, तुम बताओ, उसको साफ़ रखो, ठीक है। चलते हैं फिर हम टिकट वगैरह लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम ना मोती झील मेट्रो स्टेशन उतरे हैं, तो हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे भाई पहली बार लिफ्ट से। पहली बार तो नहीं, मैं एक बार दिल्ली गया था, लिफ्ट से नहीं जाएंगे, इससे जाएंगे। एक बार मैं दिल्ली गया था तब मैंने शूट किया था, ठीक है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ इससे। गाइस हम चढ़ चुके हैं सीढ़ियों पे, ठीक है। तो हमारे सौरभ भाई शूट कर रहे हैं, सीढ़ी ऊपर जा रही है, मेरे को डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, चल रहे भाई। भाई लाइफ में दूसरी तीसरा चढ़ाऊँ तो डर तो लगता ही है ना। सौरभ भाई आओ। तो भाई ऊपर आ गए हम, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई ऊपर आने में। अब यहाँ से टिकट लेंगे फिर निकल लेंगे नवाबगंज की तरफ। वो हमारे सौरभ भाई, करण भाई चले गए ऊपर, करण भाई जा रहे हैं ऊपर, चलते देखते भाई। तो दोस्तों मैं मोती झील मेट्रो स्टेशन पर आ चुका, तो मेरे करण भाई टिकट ले रहे हैं, तो देखते भाई करण भाई सूची देख रहे हैं पहले किस स्टेशन पर उतरना है। तो ये भाई ले रहे हैं टिकट, देखते हैं उनका इंटरफेस मेट्रो का दिखाते हैं। इंटरफेस एकदम बहुत ही आलीशान है। तो करण भाई टिकट ले रहे हैं, यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। तो और ये क्या कहते हैं, ये मोती बहुत अच्छी स्टेशन है, तो दिखाते हैं अंदर का आगे का इंटरफेस। तो ये करण भाई टिकट लेके आ गए मेट्रो। भाई हमको ना यहाँ से नवाबगंज की टिकट नहीं मिली है, गुरु ड्रोन की टिकट मिली है, वहाँ से चलना पड़ेगा हमको पैदल, पैदल नहीं ऑटो लेना पड़ेगा चलने के लिए। टिकट दे रहा हूँ बाईस सौ रुपये का, मैं पकड़ दो भाई, अभी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं, चलते हैं गुरु ड्रोन स्टेशन पर। तो भाई हमको यहाँ से ना गुरु द्रोण की टिकट मिली है, ये मेट्रो पता नहीं जाएगी भी नहीं जाएगी, बट उसके बाद जो हम गुरु द्रोण से एक ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ने के बाद वहाँ से हम निकलेंगे चिड़ियाघर के लिए, ठीक है। तो हमारे साथ जो सौरभ भाई, ये जो मेट्रो भी खड़ी है लेकिन इतनी देर में चली जाना चाहिए थी, उसको गई नहीं है, बट हम इंतजार करते हैं एंड देखते हैं कि गुरु द्रोण पर कौन सी मेट्रो जाती है। तो तब तक हम वेट करेंगे। SBI ने यहाँ पर भी अपना टंका नहीं छोड़ा, तो यहाँ पर देखो SBI होम लोन दे रहा है, मेट्रो में होम लोन दे रहा है सौरभ भाई को। तो होम लोन जिसको भी चाहिए ना मेट्रो में आके सौरभ भाई से संपर्क कर सकता है। भाई इससे यहाँ पर हम मेट्रो के अंदर सफ़र करते हुए, ये LLR हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन आ गया पीछे हमारे, हम जाएंगे गुरुदेव पे, इंतजार करते हैं फिर चलते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं। सौरभ भाई भी शूट करने पर लगे हुए थोड़ा सा, इनसे मैंने बोला मेरा एक ना भाई फ़ोटो क्लिक कर दो, तो सौरभ भाई ने बोला हम नहीं करते हैं फ़ोटो क्लिक। फिर यहाँ से फिर से चल देगी। हाँ मैं लिफ्ट में नीचे जा रही है, देखो क्या मस्त नजारा आ रहा है भाई, देख भाई देख 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 भाई। चलो अब यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम चिड़ियाघर।